मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में दम भरने के साथ ही जीत का नया फॉर्मूला दिया है। इस बार चुनाव में बीजेपी अपने प्रचार में शोर से ज्यादा संवाद पर जोर देगी। अग्रेसिव चुनावी रणनीति की पहचान बना चुकी बीजेपी अपनी चुनावी प्लानिंग को बदल कर आई है। इस बार बीजेपी मैदान में चुनावी शोर से अधिक संपर्क पर जोर देती हुई नजर आएगी, जिसमें लोगों के साथ सामूहिक बैठकें, मतदाताओं के घर जाकर सीधा संवाद, वर्चुअल संवाद पर अधिक जोर रहेगा। एक तो कांग्रेस जो सिर्फ शोर मचाती है, तो भारतीय जनता पार्टी शोर भी मचाती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी रैलियां भी करती है, रोड शो भी करती है और ज़मीन पर काम भी करती है, और यही कारण है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। माननीय अमित शाह जी की रणनीति में सदैव संपर्क, संवाद और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें ये प्रमुखता से रहा है। यही कारण है कि इस बार लगभग 50% वोट हमें विधानसभा में मिले और इस बार कांग्रेस का हर बूथ से सफाया भी इसी रणनीति और कार्यशैली से होगा। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये फॉर्मूला दिया है। इसके लिए अब पार्टी युवा, महिला, किसान समेत कई सम्मेलन भी आयोजित करेगी और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हिताधिकारियों की सूची तैयार कर रही है। चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे नेता हर दिन लोगों से वर्चुअल संवाद करेंगे, तो वहीं दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो वो सामूहिक बैठकों में शामिल होंगे। मंत्री, विधायक और चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे नेता ऐसे बूथों पर स्थायी डेरा डालेंगे जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की तैयारियों को तकरीबन 10 वर्षों से हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आते हैं तो विधानसभा के चुनाव में कहते हैं अब की बार 200 पार। हसर ये होता है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है। अब ये बात कर रहे हैं लोकसभा की, आज पिछले लोकसभा में इनको 58% मध्य प्रदेश में मत मिला था, अब ये 51% पर आ गए। मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली कि हमें 51% वोट प्रतिशत अपना रखना है कम से कम। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के हालात तो ऐसे हैं कि इनको 50 के नीचे ही रहेंगे और कांग्रेस 51 से ऊपर रहेगी परसेंट में। ये तैयारियां कुछ भी कर लें, लेकिन कार्यकर्ता इनका जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो आयात किए गए कार्यकर्ताओं की वजह से, वो इनसे नाराज है, वो इनसे दूर जा चुका है। अगर ईवीएम मैया की कृपा नहीं होगी तो 100% कांग्रेस इकट्ठी है और जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भी इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव की कमान भी अपने हाथ में रखेंगे। यही वजह है कि चुनाव से पहले अमित शाह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में कार्यक्रम कर चुनावी विसात बिछा दी है। या फिर ये कहें कि अमित शाह ने एमपी दौरा कर प्रदेश की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है, इसलिए अमित शाह प्रदेश में प्रचार का शोर कम और संपर्क पर ज्यादा जोर देने का फॉर्मूला देकर गए हैं। अब देखना यही होगा कि अमित शाह के इस फॉर्मूले से पार्टी को कितना लाभ मिलता है।